Really, really affordable and you get steel deals. Some products are so good, and coach products it's that I good idea. But I have videos and uh, you know everything about those. So, yes, if you are also a person like me who loves jewelries and earrings, uh, so keep on watching this video till the very very end. It is gonna be very very helpful. And if you're new to my channel, please take out a moment and hit that red subscribe button and the notification bell right next to it so that every time I upload a new video, you get notified. And without any further blabbering, let's just dive right into the video and this. ओके टू स्टार्ट विद एवर स्टाइलिश एक इंस्टाग्राम स्टोर है और इनकी एक वेबसाइट भी है आई केम अक्रॉस दिस थ्रू इंस्टाग्राम एड्स मुझे काफ़ी सारे ऐड्स आते थे इसके यू नो ज्वेलरी के एंड uh, मैं पहले देखती थी कि दे आर सो अफोर्डेबल बट आई वॉज़ वेरी डाउटफुल इफ़ इट वुड बी गुड क्वालिटी और नॉट तो मैंने इस बार सोचा कि खरीद ही लेते हैं लेट्स डू अ हॉल एंड मैंने स्टार्टिंग में प्लान किया था टू डू दिस एज अ पार्ट ऑफ माई बर्थडे सीरीज ओनली बट जस्ट कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट देर डिलीवरी इज पथेटिक अब मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ हुआ था या इनकी डिलीवरी का है ही ऐसा ही सो आई ऑर्डर्ड माई प्रोडक्ट्स ऑन ट्वेंटी सेकेंड जनवरी थिंकिंग कि अभी तो बर्थडे में ऑलमोस्ट एक मंथ है तो तब तक तो ये आ ही जाएगा सो आई माइट एंड ऑफ योरिंग समथिंग ऑन माई बर्थडे एंड आई ऑल्सो डू अ हॉल फॉर यू गाइज बट मुझे ये रिसीव हुआ है ऑन ट्वेल्थ ऑफ February रात में अराउंड 6 सात बजे एंड आई एम अ पर्सन जो एक बार ऑर्डर प्लेस कर देता है तो आई एम वेरी वेरी क्यूरियस कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा आई डेड एंड अप कॉन्टेक्टिंग द कस्टमर सर्विस अ कपल ऑफ टाइम्स एंड एवरी टाइम दे वो जस्ट टेलिंग मी की डिलीवरी एक्सपेक्टेड डेट इज दिस एक्सपेक्टेड डेट इज डिट एंड आई एंडेड अप गेटिंग ऑन ट्वेल्थ फेब्रवरी सो दैट वॉज ऑलमोस्ट अ मंथ सो आई हेटेड दैट फैक्ट अबाउट दिस एंड सेकेंडली बात करें अगर इसकी रिटर्न पॉलिसी की तो मैंने मुझे प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आए थे तो मैंने उन्हें रिटर्न कर दिया था इट वॉज क्वाइट अ स्मूथ प्रोसेस एंड रिटर्न करने के बाद आपको पैसे नहीं मिलते हैं यू गेट स्टोर क्रेडिट सो आपको उतना अमाउंट का वापस इन्हीं के स्टोर से कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा सो जब मैंने वो दोबारा से चीज़ें खरीदी तो मुझे ये जो नया पार्सल है ये दो दिन में रिसीव हो गया था सो आई डोंट नो इफ देव समथिंग रॉन्ग विद माई प्रीवियस ऑर्डर और वॉट बट वो मुझे बहुत लेट डिलीवर हुआ था ये मुझे दो दिन में डिलीवर हो गया सो या ऑल दैट साइड कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में ये आपको रिसीव होगा बहुत ही ज्यादा सा वाइट एंड पिंक इस्थटिक है इनका एंड ऑल ऑफ द जूलरी वॉज इन दिस इसके ऊपर से वो जो फोम स्टाइरो फोम वाला होता है ना शीट वो भी लगा था सो द पैकेजिंग वगैरह सब कुछ अच्छा था एंड लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स मैंने रिटर्न uh, कर दिए थे वो मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगी बट स्टार्ट करते हैं कि इन प्रोडक्ट से जो मैंने एक्चुअली रखे हुए हैं so, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट ईयर रिंग की जो है ये क्यूट सी बटरफ्लाई ईयर रिंग्स दिज आर वेरी ब्यूटिफुल लाइट पिंक कलर एंड इट लुक्स सो क्यूट एंड डेंटी आई रियली लाइक दीज ईयर रिंग्स इसमें एक थिंक दो तीन और शेड्स भी थे आई रियली रियली लाइक इट काफी ज़्यादा डेंटी है आप इसको अपने किसी भी नॉर्मल जीस टॉप पे भी पहन सकते हो ड्रेसेस पे भी पहन सकते हो इट लुक्स वेरी वेरी क्यूट सो आई रियली रियली लाइक इट एंड द क्वालिटी ऑन दिस वन इज़ रियली रियली गुड एंड बिकॉज मैं भी इन ज्वेलरी को ज्यादा दिनों से नहीं पहन पाई हूं तो आई डोंट नो इफ दे आर टार्निश रेजिस्टेंट और नॉट वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी अपनी इंस्टा स्टोरीज पे बट दिस इज वेरी वेरी क्यूट इसका पूरा जो बेस है वो गोल्डन में है एंड देन यहाँ पे ये मार्क जैसे स्टोन लगा हुआ है लाइट पिंक कलर का सो आई रियली लाइक दिस सो द नेक्स्ट पेयर ऑफ इज दिस वन ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर इयरिंग गोल्ड में इयरिंग्स थे एंड आई वॉज वेरी इफ आई शुड बाई दिस और नॉट बट ये मैंने काफी सारी वेबसाइट्स पर देखी थी और मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी सो so ये यहाँ पे ऐसा गोल्ड का कॉइन जैसा है लाइक बट इट इज कर्वड एकदम सर्कल नहीं है एंड इसके नीचे ऐसा ये जाली जैसा बना हुआ है गोल्ड वायर से एंड इनसाइड इट हैज़ वन पर्ल सो so, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं पहनने के बाद एंड आई रियली रियली लाइक इट लाइक अगर आपके कोई भी प्लेन सॉलिड कलर पहनते हो विद गोल्ड एक्सेंस तो आप इसको स्टाइल कर सकते हो इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल इनफैक्ट विद दिस ब्लैक ड्रेस आल्सो इट विल लुक बी ब्यूटिफुल सो आई रियली लाइक इट एंड इट इज़ गुड क्वालिटी लाइक ऐसा नहीं है कि ऐसा दबाने पर यू नो दब जा रहा है शेप बदल जा रही है सो आई रियली रियली लाइक दिस वन इज़ वेल सो द नेक्स्ट ईयर रिंग दैट आई हैव आर दीज ब्यूटिफुल फ्लावर ईयर रिंग्स ये सनफ्लावर है या पता नहीं

हज़ार दीज़ जब मैं एवर स्टाइलिश की वेबसाइट मैंने पहली बार चेक करी थी अभी नहीं काफ़ी पहले करी थी सो so ये ईयरिंग्स ऐसे थे जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए थे एंड आई न्यू कि जब भी मैं एवर स्टाइलिश से कुछ ऑर्डर करूँगी दिस वन वुड बी द फर्स्ट थिंग टू बी एडेड इन टू माई कार्ट एंड आई वॉज सो राइट अबाउट डट इट इज सो ब्यूटिफुल इट लुक्स गॉर्जस इसको आप लोग वेस्टर्न के साथ भी स्टाइल कर सकते हो एंड इंडियन में तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा इट हैज़ दिस ब्यूटिफुल बड़ा सा पेस्टिल पिंक कलर का स्टोन विद लाइनिंग एंड देन यहाँ नीचे भी काफ़ी सारे ऐसे स्टड्स लगे हुए हैं एंड इसका जो शेप है एंड द क्वालिटी इज सो गुड एंड द साइज इज ऑल्सो क्वाइट डिसेंट बहुत ज़्यादा बड़े हुए नहीं है एंड बहुत ज़्यादा छोटे तो बिल्कुल नहीं है लाइक इट इज़ अ व व वेरी वेरी गुड साइज़ यू कैन व्यो दैम ऑन रियली स्पेशल ओकेजन एंड द क्वालिटी इज अ वेरी वेरी गुड लाइक इट इज़ वेरी हैवी ड्यूटी एंड बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं इट विल जस्ट एलिवेट योर लुक इन अ जिफी आप ये इयर रिंग्स पहन लो एंड यू विल नॉट रेड

मेरी जो फिंगर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक तो छोटी हैं एंड दे आर वेरी वेरी चबी लाइक मेरे फिंगर्स पे तो बहुत ही ज़्यादा फैट है एंड माय फिंगर्स आर छोटी एंड मोटी सो रिंग्स डोंट सूट माय फिंगर एंड मैंने इस ब्रांड से दो रिंग्स और मंगाई थी जो मुझे रिटर्न करनी पड़ी थी बिकॉज दे वर नॉट लुकिंग गुड ऑन माई फिंगर्स वो आपको वीडियो के एंड पे देखने को मिलेगा बट दिस वन आई स्टिल लाइक लाइक ये जो इसका साइज एंड डिज़ाइन है मतलब उतना बुरा नहीं लग रहा था मुझे लगा कि काम चल जाएगा एंड बिकॉज कभी कभी एथनिक वेयर जब पहनो तो यू नो यू नीड दोज रिंग्स ताकि आपका लुक थोड़ा सा एलिवेट हो जाए सो आई थिंक इट लुकड ओकेश आई डोंट नो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मैंने इसको रख के सही किया या नहीं बट आई थिंक ये फिर भी मुझे थोड़ी बेटर लगी थी कम्पेयर टू द अदर रिंग्स तो मैंने इस वाली को तो तब भी रख लिया है ताकि यू नो इंडियंस वगैरह स्टाइल करने में काम आए सो इट इज़ अ ब्यूटिफुल सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड रिंग एंड या आई नो कि अगर इसको आप सरोजनी वगैरह से लेते तो आपको ये ज़्यादा सस्ती पड़ जाती बट ऑनलाइन के हिसाब से भी इट वॉज नॉट अ बैड प्राइस एट ऑल बट इट इज़ स्टिल गुड क्वालिटी उतना ज़्यादा बहुत अमेजिंग हैवी ड्यूटी नहीं है बट या इट इज स्टिल डिसेंट तो अगर आप लोगों को यू यू नो सो या इफ आर लुकिंग आउट फॉर अ रिंग लाइक दैट एंड आपके आजू बाजू कहीं लोकल मार्केट में नहीं मिलती है सो यू कैन चेक इट आउट बट इट इज नॉट समथिंग दैट यू डेफिनेटली वॉन्ट टू चेक इट आउट ठीक है अनादर एक्सपेरिमेंटल परचेज मैं इतना ज्यादा ऐसी चीजें पहनती नहीं हूँ इट इज अ पेंडेंट ऐसा नेकलेस टाइप का है आई विल शो यू वॉट इट लुक्स लाइक सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक नाउ इसमें पेस्टल पिंक और ऐसा ये बेबी ब्लू टाइप का कलर के ऐसे स्टोन्स लगे हुए हैं एंड इसका गोल्डन बेस है इसकी जो चेन है वो ही इंटर इंटरलॉक वाली जो होती है ना चेन टाइप की वैसी है बट इट इज़ अ लिटिल थिक देन माय प्रेफरेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा डेंटी और एकदम पतली पतली चेन्स पसंद आती हैं uh, इसीलिए मैंने अपनी जो गोल्ड चेन है वो भी बहुत पतली वाली ली थी सो so, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई थी नाउ लुकिंग एट दिस पेंडेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था लाइक दीज क्रिस्टल्स एंड दीज स्टोन्स वर लुकिंग ब्यूटिफुल बट ऑन व्यूरिंग आई एम नॉट श्योर इफ़ आई बी एबल टू स्टाइल इट विथ समथिंग और नॉट अगर आपके पास कोई स्टाइलिंग आइडियाज़ हैं इस चेन को लेके तो मुझे बताओ कि इसको किस चीज़ पे मैं स्टाइल करूँ अच्छा लगेगा

मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ ईयरिंग्स वो हैं ये पॉल ईयरिंग्स एंड uh, इसमें आगे ऐसा बड़ा पॉल है एंड पीछे छोटा पॉल है सो हाउ यू व्योर अच्छा मैंने इसको उल्टा लगा दिया है सो हाउ यू व्योर इज आप इसको कैसे भी पहन सकते हो बेसिकली आप uh, बड़ा वाला पॉल आगे करोगे तो ऑब्वियसली छोटा वाला तो दिखेगा नहीं बट हाउ यू व्यर इज आपका जो छोटा वाला पॉल है इट विल गो लाइक अ स्टड हियर एंड फिर नीचे से द बिग पॉल विल शो अप सो so, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिजाइन था आई हैवन सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर तो इसीलिए मैंने ये खरीद लिया था एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल आई लव दिस पर्चेज अगैन अगेन इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट बिल्कुल हैवी नहीं है योर्स पे एंड इट लुक्स वेरी गुड क्वालिटी एंड या आई थिंक अगेन दिस इज़ समथिंग यू माइट वॉन्ट टू गेट योर हैंड्स ऑन अगेन दिस इज अ पॉल इयर रिंग एंड इट इज वेरी डिफरेंट देन वॉट आई यूर तो ये ऐसे डैंगलिंग से इयर रिंगस है इसके यहाँ ऊपर एक हल्की सी गोल्डन डिटेलिंग है एंड उसके बाद यू हैव दीज डिफरेंट साइज पर्ल्स एक के बाद एक के बाद एक, एक ऐसा ड्रॉप हो रहा है सो इट लुक्स वेरी वेरी नाइस एंड अगेन इट इज़ अ स्टेटमेंट काइंड ऑफ इयर रिंग्स आपको इसके साथ कुछ और एक्सेसरीज ज़्यादा हैवी करने की जरूरत नहीं है दीज विल यू नो एलिवेट योर लुक ऑन इट्स ओन अगेन द पर्ल्स आर वेरी गुड क्वालिटी द एंटायर इयर रिंग्स इज़ गुड क्वालिटी गोल्डन बेस है एंड देन द पर्ल्स आर यू नो द स्टार ऑफ द इयरिंग्स सो अगेन दिस इज़ वेरी वेरी नाइस बट

दीज आर द नेक्स्ट पेर ऑफ इयर रिंग्स एंड यू कैन सी दीज आर सो ब्यूटिफुल मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए थे एंड आई वॉज वेरी श्योर दैट आई हैव टू गेट दैम ये ऐसे हाफ ऑफ बटरफ्लाई है एंड दे हैव पिंक वाइट वाइट नहीं ऐसा ऑफ वाइट एंड देन अ पाउडर ब्लू कलर तो इसकी कलर स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी एंड द इयरिंग्स आर वेरी प्रिटी ऑन देयर ओन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगे इसको आप लोग किसी भी यू नो बेसिक से आउटफिट के साथ भी स्टाइल कर सकते हो दे विल लुक वेरी मिनिमल एंड वेरी वेरी क्यूट मैं इसको एक दो बार पहन भी चुकी हूँ दे आर वेरी वेरी कम्फर्टेबल ऑब्वियसली स्टार्ट ईयरिंग्स हैं एंड दे लुक ब्यूटीफुल मूविंग टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ ईयर रिंग्स अगैन वन ऑफ माई फेवरेट्स ऐसे मेरे पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं थे तो ये मैंने लिए हैं एंड इसमें से डायमंड्स लगे हुए हैं बहुत सारे सो इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल अभी ये मुझे वेबसाइट पे देख के लग रहा था कि ये कुछ ज़्यादा ही मतलब डेंटी और बहुत काफी ज़्यादा यू नो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे लग रहे थे बट इधर अगर मैं देखूँ तो इट इज नॉट दैट ग्रेट क्वालिटी अगर आप बहुत पास से देखो तो इट लुक्स वेरी यू नो इल मेड इफ आई मे से सो बट इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल यू नो एंटायर थिंग काफी ज्यादा अच्छी लग रही है इसकी मुझे जो पीछे गोल्ड की बॉडी है ना वो उतनी अच्छी नहीं लगी थी बट इट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड यर रिंग ये जो स्टार्ट uh, है इट विल कम हियर इन फ्रंट एंड ये वाला जो है ना ये आपके इयर में पीछे से दिखेगा सो so, पहन के इयर रिंग्स इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं कि दे कैन एलिवेट एनी लुक एंड uh, बहुत ही ज़्यादा सुंदर इयर रिंग्स हैं अगर आपने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है ट्रस्ट मी यू वांट टू ट्राई दिज वंस आउट एंड यू आर अगना लव इट क्वालिटी एज आई सेड इज़ नॉट द बेस्ट बट इट इज़ नॉट बैड एट ऑल बहुत ज़्यादा पास से आने में Uh, उतना यू you नो know, टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है थोड़ा बट देन um, अगर मैं इसको पहनूंगी तो मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं सो येस अगैन आई विल से गो फॉर दिस वंस अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है यू अगर लव दिस वन द नेक्स्ट वंस अगेन माई फेवरेट आई वुड से दीज आर माई टॉप टू ये टॉप टू में ज़रूर आएंगे सो दीज आर दिस काइंड एयर रिंग्स मुझे ऐसे सिल्वर यू नो चेन 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 टाइप के और ऐसे डायमंड वाले काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी चल रहे हैं आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं इनफैक्ट ये एक ऐसी इयरिंग्स थे जो वेबसाइट पे देख के आई वो कन्फ्यूज कि ये अच्छे लगेंगे कि नहीं बट इन पर्सन दे आर इवन मोर ब्यूटिफुल मुझे बहुत अच्छे लगे मेरे पास इससे पहले ऐसे इयरिंग्स थे बट ये जो ऊपर डायमंड है वो पूरे में ऐसे डायमंड थे बट दीज थ्रेड काइंड ऑफ थिंग्स आर लुकिंग सो डेंटी सो फेमिनिन सो शीक ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा यू कैन स्टाइल देम ऑन योर डेट नाइट्स बर्थ लाइक इट इज़ दैट

सो so, इसको आपको अपने ईयर में यहाँ पे से फंसाना है एंड देन दिस अ थ्रेड विल गो थ्रू योर प्योर एंड इट लुक्स वेरी यू नो एलिगेंट वेरी डेलिकेट एंड काफ़ी ज़्यादा एलिवेट कर देता है आपके लुक को बट द थिंग विथ ईयर कव्स इज दैट मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ कि मैंने अगर एक कान में ईयर कफ पहन लिए दूसरे में मैं कुछ पहनूँ या ना पहनूँ तो मुझे इतने ज्यादा पसंद आए थे दैट आई वॉज रेडी टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर अनादर वन एंड देन आई वुड इट ऑन बोथ द योर्स बट ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था सो आई कुडेंट गेट माई हैंड्स ऑन द अदर वन अगर ये कभी भी स्टॉक अप होता है तो आई एम डेफिनेटली गर्चेज अनादर वन आई लव इट दिस इज अनादर ऑफ़ माई फेवरेट्स आई टोल्ड यू आई सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट अनादर ऑफ माई फेवरेट परचेज दीज हुप्स अब आप लोगों को पता है कि मुझे हुप्स कितने ज्यादा पसंद है बट यू थिंक ये तो बहुत ज्यादा बेसिक हुप्स हैं बट नो पहले तो ये बहुत ज़्यादा मीडियम साइज़ के होप्स हैं ठीक है थीके? मेरे पास बहुत बड़े होप्स भी हैं बहुत छोटे हुप्स भी हैं दीज आर द परफेक्ट साइज एंड इसमें यहाँ पर आइन स्टोन्स लगे हैं आई लव दीज हुप्स ये अगेन एक ऐसे पेयर ऑफ ईयर थे जो मुझे वेबसाइट पे देख के उतना ज़्यादा um, अच्छे तो लगी रहे थे तभी मैंने ऑर्डर किए हैं बट ये इन पर्सन और ही ज्यादा सुंदर हैं सो आई एब्सोल्युटली लव देम अगेन दीज आर अ पेयर ऑफ विल एलिवेट योर लुक टू अ नेक्स्ट लेवल होप्स एनी वेज काफी सुंदर लगते हैं मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है पर्सनली एंड देन दिस ब्यूटिफुल डिटेलिंग एंड द परफेक्ट साइज दैट इट हैज विल जस्ट एलिवेट योर लुक टू अर रियली डिफरेंट लेवल सो आई रियली लव दिज वंस नाउ आई विल टॉक अबाउट द वंस जो मैंने ऑर्डर किए थे बट मुझे वापस करने पड़े थे सो so, सबसे पहले थे ये वाली रिंग ये कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ऑन द वेबसाइट आई लव्ड दिस वन एंड बिकॉज मैं रिंग्स वगैरह पहनती नहीं हूँ मेरे हाथ हमेशा से खाली खाली रहते हैं तो मैंने सोचा था कि इस बार मैं रिंग्स ट्राई करूंगी बट इट लुक्स सो बैड ऑन मी आई लिन सर्ट अ वीडियो योर एंड यू कैन सी दैट माई फिंगर्स आर वेरी वेरी यू नो चबी तो ये रिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही थी लाइक आई डोंट हैव एनी

ईयर रिंग्स जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए अगर यर रिंग्स थोड़े अच्छे भी होते ना तो मैं रख लेती कोई बात नहीं रिंग्स नहीं आई अच्छा ईयर रिंग्स तो खैर मैंने वापस ही करनी थी बिकॉज मेरी फिंगर्स पर तो अच्छी नहीं लग रही बट दीज ईयर रिंग्स वर वेरी वियर आई डोट नो आई डिड नॉट लाइक दम एट ऑल तो मैंने ये भी रिटर्न कर दिया था एंड दे वार नॉट गुड क्वालिटी ऑल्सो द थिंग इज दैट देन मैंने यू नो uh, you know, ये ऑर्डर किया था इसको आई डोंट नो क्या बोलते हैं ऐसे हार्थफुल बोलते हैं आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट मुझे ना ऐसे टाइप के हैंड uh, ज्वेलरीज बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि um, आप लोगों ने देखा है कि वेन एवर आई स्टाइल एवरी थिंग माई हैंड्स आर ऑलमोस्ट एमटी एवरी टाइम सो आई वॉन्टेड समथिंग टू एलिवेट द लुक्स ऑफ माई हैंड्स ऑल्सो तो मैंने ये ऑर्डर किया था ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था एंड मुझे इस टाइप की ज्वेलरीज बहुत अच्छी लगती है एंड आप देख सकते हो कि मेरे हाथों पर भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था द थिंग इज दैट बट जो इसके यहाँ पे फिंगर पे रिंग थी ना आ, पर्ल वाली इट वाज वेरी वेरी चीप क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही थी इट लुक वेरी इलमेड ऐसा लग रहा था किसी छोटे बच्चे को सुई धागा देके वो पर्ल्स दे दिए एंड उसने बना दिया थे इट वाज वेरी बैड क्वालिटी एंड इट एक्चुअली लुक्ड बैड क्वालिटी ऐसा भी नहीं था कि चल जाता वरना मैं रख लेती बट आई डिड नॉट लाइक द क्वालिटी एट ऑल इट वॉज़ वेरी इलमेड बट उसकी चेन वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छी लग रही थी बट अगेन अब कोई चीज़ लेनी है तो वो ओवरऑल ही अच्छी लगनी चाहिए सो आई हैड टू रिटर्न दिस वन इज़ वेल देन दीज व ईयर रिंग्स दैट आई गॉट इसके लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज दे व वेरी डेंटी क्यूट ऐसा छोटू से इयर जिसको आप कभी भी ऐसा पहन सकते हो यू नो विद फॉर्मल लुक आल्सो विद जीन्स टॉप आल्सो विद बेसिक आउटफिट्स कैजुअली भी पहन सकते हो बट अगेन दे व वेरी बैड क्वालिटी मतलब देख के ही बहुत ही ज्यादा गंदे से लग रहे थे दे डिड नॉट लुक गुड एट ऑल पिक्चर में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे इन रियल लाइफ दे वर नॉट गुड क्वालिटी एट ऑल सो अगेन क्वालिटी रीजनज आई हैड टू रिटर्न दैम नेक्स्ट वॉज दिस ब्रेसलेट अगेन द सेम रीजन मेरे को अपने हाथों के लिए कुछ कुछ चाहिए था तो मैंने ये ब्रेसलेट ऑर्डर किया था इट लुक सो ब्यूटिफुल ऑन द वेबसाइट एंड यू कैन सी इन द पिक्चर की मतलब इसका एक एंड um, इधर था एक एंड इधर था एंड ऐसा भी नहीं था कि इसको आप प्रेस करके एडजस्ट कर पाओ साइज नो इट वॉज स्टिफ अगर आप उसको प्रेस भी करोगे वापस इट वुड गो बैक टू तो इट्स ओरिजिनल शेप इट डिड नॉट लुक फ्लैटरिंग एट ऑल इट लुक्स वेरी वेरी व्यर्ड मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया था कि uh, इसको वर्क करा लूँ बट इट डिड नॉट वर्क फॉर मी एंड इट लुक बैड सो अगेन आई हैड टू रिटर्न दैट एंड द लास्ट थिंग दैट आई ऑर्डर वॉज दिस नोज पेन और नोज रिंग जो भी है ये जैसे राजस्थानी वाला टाइप का लुक होता है ना उसमें अच्छी लगती हैं मुझे कभी कभी डिफरेंट काइंड ऑफ लुक्स यू नो क्रिएट करने होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा लुक्स पे अच्छी लगती है तो मैंने ये ऑर्डर की थी बट अगेन इट डिड नॉट लुक वेरी गुड क्वालिटी सो एंड इसका जो प्राइस था ये मुझे लोकल मार्केट्स में ज़्यादा चीपर रेट पे मिल जाएगी एंड दोज आर बेटर क्वालिटी देन दिस वन तो आई थिंक इसकी जितनी भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है क्योंकि मैंने दो मंगाई हैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी इस ब्रांड से इनकी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है यू विल गेट बेटर ऑक्सीडाइज स्टफ इन योर लोकल मार्केट्स यहाँ पे जैसे सरोजनी है जनपत है वहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा बट इनका जो बाकी जो डेंटी वो इंस्टाग्राम और काफ़ी ज़्यादा यू नो ट्रेंडी एयरिंग्स हैं वो इनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे सो या दीज वर ऑल द products जो मैंने मंगाए थे एंड आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड विद देयर डिलीवरी सर्विस कि कितना लेट इन लोगों ने डिलीवर किया था बट आई थिंक देर वॉज सम इशू क्योंकि मेरा सेकेंड पार्सल मुझे दो दिन में रिसीव हो गया तो आई थिंक आई गिव दैम में ऑफ़ डाउट, बट येस अगर आप लोगों को भी ऐसा ट्रेंडी इंस्टाग्राम अप्रोप्रिएट uh, जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं इयर रिंग्स टू एलिवेट योर लुक बिकॉज रियली इिंग्स जस्ट एलिवेट योर लुक्स टू डिफरेंट लेवल अगर आप लोगों को भी ट्राई आउट करने हैं तो आप लोग इस ब्रांड को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो आई टोल्ड यू वॉट ऑल आर गुड Quality and what are not, so you can keep all this in mind and uh, you know, go shop from them. Please like karna and share it with your friends and families who are interested in jewelry as well. And if you my videos and like comments, if there are any other websites you want me to try it out, I will definitely do so. And if you have not subscribed to my channel yet, please subscribe to my channel, hit that red subscribe button and the notification bell right next to it so that every time I upload a new video, you get notified. Now I will see you super super soon in my next video till then stay safe stay healthy bye bye